यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आबकारी एवं कराधान विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जहां पर सीएम ने एनएचपीसी की ओर से सिविल अस्पताल को डोनेट की गई 5 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाद में आबकारी एवं कराधान विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया और भवन का निरीक्षण किया। तो वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम ने कहा कि अब एक ही छत के नीचे 400 कर्मचारी और अधिकारी काम करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि कोने कोने में छिपे भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारा संकल्प है। जहां जहां भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आम लोगों और विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलना जरूरी है ताकि जनता को स्वच्छ प्रशासन देने का जो वायदा किया है वो पूरा हो सके। साथ ही सीएम ने अवैध निर्माण के मुद्दे को लेकर कहा कि अवैध निर्माण को लेकर जो भी जानकारी हमारे पास आएगी उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं बड़खल झील के दौरे को लेकर कहा कि 1980 में मैं खुद बड़खल झील में नौका विहार कर चुका हूं, लेकिन यहां खनन के समय में खनन के द्वारा उधेड़ कर रख दिया गया था जिसके दुष्परिणाम के बड़खल झील सूख गई, इसलिए अधिकारियों को इस झील में पानी भरने की योजना बनाने को कहा है। साथ ही सीएम ने कई पहलुओं पर विचार विमर्श किए। कि आज हमको जानकारी है कि ये जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो फरीदाबाद का ऑफिस है, इसका जो हमने शिलान्यास पहले किया था आज बनके तैयार हो गया, इसका उद्घाटन किया है। और इसके उद्घाटन होने के बाद जितने भी ऑफिस एक्साइज डिपार्टमेंट के इधर उधर थे वो सारे अब एक छत के नीचे लगभग 400 एम्प्लॉइज़ के बैठने की व्यवस्था है। तो हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी भी कोने में इस प्रकार का भ्रष्टाचार छुपा होगा हम उसको बाहर निकालेंगे और एक स्वच्छ प्रशासन देने की जो हमारा वायदा है जनता को हम देंगे। तो 80 में जब मैं यहाँ था तो बड़खल का पानी, यानी भरी हुई बड़खल जिसमें हमने किश्ती पर भी उस प्रकार का नौका व्यवहार किया, आज उसका क्योंकि जितना माइंस के समय में अरावली का एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए उधेड़ दी गई अरावली, और वहाँ अब झीलें जो बन गई हैं, पानी सारा जितना कैचमेंट एरिया था वो सारा पानी वहाँ चला गया, बड़खल सूख गई है। लेकिन बड़खल को रिवाइव करने के लिए आज हमने अपने अधिकारियों का योजना बनाई।